ऑल राइट गाइस, इस वक्त हम पेपर इस वक्त सीजीएल का दे के निकल आए हैं। मेरे पीछे अभी कुछ बच्चे हैं जो बैठे हैं एंड आ रहे हैं, बहुत पीछे हैं एंड कुछ निकल रहे हैं। जस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आज का पेपर हुआ, ये एक्चुअल में ये थर्ड शिफ्ट का पेपर था। इससे पहले दो शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं एंड 2:30 to 3:30 तक का ये पेपर था। एंड अगर मैं आपको जहाँ पे बताऊँ कि कैसा पेपर रहा, पेपर जो था बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, जिस तरह से जो है पिछला जो पैटर्न फॉलो करता आ रहा है सीजीएल, वैसा ही पैटर्न था। क्वेश्चंस उस डिफ़िकल्टी लेवल के देखने को नहीं मिले, मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन थे। हालांकि आप अगर देखेंगे जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का था वो प्रेटी सिंपल था। जस्ट ये मैं कह सकता हूँ कि जो लास्ट पे पैराग्राफ आता है उसमें वो बिट जो उसकी लैंग्वेज थी इस बार टफर थी एज़ कम्पेयर टू जो पहला था। राइट, उसके अंदर स्ट्रांग जो वर्ड्स थे वो यूज़ किए हुए थे उन्होंने, बाकी सिंपल था, बहुत सिंपल, प्रेटी सिंपल था बाकी इंग्लिश वाला। मैथ का अगर हम सीन डिस्कस करेंगे तो मैथ जो न्यूमेरिकल स्पेशली मैथमेटिक्स के जो 25 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले वो अबिट ऐसे थे जिसके लिए आपको थोड़ा स्किलफुल होना है, ठीक है। बाकी जैसे ऑलरेडी जो पिछले ही थे, मतलब पिछले सालों जैसे हुआ करते थे क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चंस वैसे ही थे, वैसे ही क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस्ड देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ एक दो देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह से इन सिमिलर फैशन आपको ट्रायंगल से जो हैं एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कंसेप्ट से वैसा एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन थे, कुछ इसमें ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं था। एंड जहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब इसकी इंग्लिश की जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ जो थी वो भी प्रेटी सिंपल थे, मतलब बहुत इजी इजी जो क्वेश्चंस थे एक्चुअल में पूछे हुए थे। आई वुड से कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, जस्ट रिवाइज एंड करंट अफेयर्स का अगर हम देखें, करंट अफेयर्स की ज़्यादा अप्रिहेंशन रहती है, तो करंट अफेयर्स पे कुछ जो है इतना एक्सेसिव फोकस भी नहीं था जस्ट, बट आपको जो है जो मेरी शिफ्ट थी इसके अंदर मुझे 6 से 8 जो करंट अफेयर्स के थे वो देखने को मिले, बाकी जो थे जल्दी आर्ट एंड कल्चर एंड दूसरे क्वेश्चंस जो थे हालांकि लिंक्ड थे करंट अफेयर्स से टू सम एक्सटेंट, बट जो थे पिछले आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आप देखें सबसे जो मज़े वाला पोर्शन आपको मिलेगा वो रीजनिंग का, प्रेटी सिंपल था गाइस, मतलब बहुत इजी आप उसको जो है डील कर पाते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छे से जाएँ, टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान रखें। एंड टू माई गेस अगर आप अराउंड 115 एंड 110 से अबोव स्कोर करते हैं आप अंदर हो जाएंगे। बात में कर रहा हूँ अनरिजर्वर्ड्स की, एंड रिजर्वर्ड्स उस हिसाब से देख सकते हैं, तो 115 एवरेज बहुत बढ़िया स्कोर है। पोस्ट अराउंड 20,000 अगर आ जाती हैं तो दैट्स प्रीटी गुड स्कोर, ठीक है ना। और जो बाकी है आपको बेस्ट ऑफ लक, अगर जब आप जाएंगे तो एक बहुत ही इंकरेजिंग कोट सामने आपको स्क्रीन पर मिलता है कि अगर आपको गार्ड एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है दूसरी बार तो पहली मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है, जस्ट टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखें, एक्यूरेसी को बढ़ाएं, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। मोस्टली जो है पिछले ही सब पिछले सालों के पैटर्न पे पेपर आ रहा है एंड पिछले सालों से के ही क्वेश्चन से इंस्पायर रहता है पेपर, तो बेस्ट ऑफ लक, टाइम वेस्ट ना करिए, चीज़ों को रिपीट करिए, अच्छे से एग्ज़ाम आइए एंड एग्ज़ाम को क्रैक करिए। दैट्स इट फॉर नाउ, एंड यहाँ पे ऑन ट्रैक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।